वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी अभी सीएसडब्ल्यूडी का रिजल्ट आया है ना, तो पास हो गए कि फेल हुए हैं? तो वो जो जोश दिखना चाहिए ना पास होने के बाद का, जो एक एंथुसियाज्म होता है पास होने के बाद का, वो अभी तक आया नहीं है कि आगे चला गया। कल जैसा ज्यादा नाच लिए रात को, कल रात को पार्टी वार्टी कर ली शायद आप लोगों ने नीचे, है ना? कुछ लोगों ने शायद नीचे ज्यादा डांस कर लिया तो उनकी सारी एनर्जी उधर ही एग्जॉस्ट हो गई। सो आई थिंक कल एक ओरिएंटेशन आप लोगों का हो चुका है एंड आई थिंक दिस इज दी फर्स्ट लेक्चर फॉर टुडे ना, आज का पहला दिन का पहला लेक्चर है ना। यस, सो मेरा नाम है निखिल और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और इसके साथ एक पेपर में दो पार्ट है, 60 मार्क्स का अकाउंटेंसी है और 40 मार्क्स का FM है। वो 40 मार्क्स का FM आपको रोहित सर पढ़ाएंगे एंड 60 मार्क्स का अकाउंटेंसी आई विल बी टीचिंग यू। ओके, सो अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि सर एक CS फाउंडेशन में गड़बड़ हो गई सर, अकाउंट्स ही नहीं था। कि था? नहीं था। तो अब हमारे पास अकाउंट्स कब था? 11th 12th, और अब वापस आया है यहां, तो गैप आ गया बीच में। तो सर हमको तो गोल्डन रूल भी याद नहीं आ रहे हैं, डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है ये भी याद नहीं आ रहा है कि डेबिट क्रेडिट याद है। हाँ सर, DR लिखते हो डेबिट होता है, CR लिखते हो क्रेडिट होता है ना, आएगा तो डेबिट जाएगा तो। वाह यार, एक नंबर, क्या बात है। मतलब थोड़ा थोड़ा तो याद है, पर हाँ अपने को थोड़ा सा बेसिक से ही सारी चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटेंसी आपको ना फाउंडेशन में मिली है, CSEE जो आपका है ना वहां मिली है, ना आपको प्रोफेशनल में आएगी। तो ये आई थिंक दिस इज द लास्ट स्टेज जहां पे आप अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ने वाले हो। पर एक दिमाग में हमेशा सवाल आता है कि सर ये अकाउंटेंसी डाला क्यों है CS वालों के लिए, हम तो कंपनी लॉ का काम करते हैं। सबसे पहला रीजन, कौन बताएगा कि अकाउंटेंसी का आपको क्या रिक्वायरमेंट आएगा एज ए कंपनी सेक्रेटरी? मींस आप लोगों को ये तो पता ना कंपनी सेक्रेटरी किस तरह का काम करता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अकाउंटेंसी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटेंसी फॉर योर प्रोफेशन? क्या जरूरत है CS वालों को अकाउंटेंसी की बात करने की? क्या फर्क पड़ता है हमको, क्या मतलब डेबिट क्रेडिट से फर्क पड़ेगा क्या? व्हाट, हाउ डज इट मैटर, दैट इज माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे फर्क पड़ेगा, कोई बताना चाहेगा? जी जी, पैसा कितना आया गया ये तो अकाउंटेंसी होता है, आपके प्रोफेशन में क्या इंपैक्ट है इस चीज का, दैट इज माय क्वेश्चन। जी क्या CA ने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो CS वेरीफाई करेगा? एक्चुअली एक आंसर इसका ये सही है, बिल्कुल सही है। जब आप CS बनोगे तो आप कंप्लायंस ऑफिसर होंगे एक कंपनी के, और आप अगर एक कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर होंगे तो आपका टास्क सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ फॉर्म्स MCA के पोर्टल पे सारी चीजें देखनी है। एक्चुअली एक स्टेज होता है हर मतलब एक पूरे कंपनी के अकाउंट्स का, पहले अकाउंट्स अप्रूव करता है बोर्ड, फिर उसका ऑडिट कौन करता है? CA। फिर उसकी फाइलिंग कौन करता है? CS। XBRL फाइलिंग होती है, MCA पे फाइलिंग होती है, तो वहां पे CS का सर्टिफिकेशन भी लगता है। तो कहीं ना कहीं एक बात यह है कि हमको रिपोर्ट बनाना तो नहीं है लेकिन रिपोर्ट पढ़ना तो है, और किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसे वेरीफाई करने के लिए बताओ उस चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एंड दैट इज वाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आपका जो सिलेबस है ना वो अकाउंटिंग नहीं है, आपका मेजर सिलेबस किस चीज का है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्यों है? उसका रीजन ये है कि कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी में आपको जो कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट्स आएगी उसको रीड भी करना रहेगा और उनके सारे कंप्लायंसेस भी चेक करने रहेंगे। आपको भी बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, और अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता तो आप कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर किसी काम के नहीं हो। सर हमको बैलेंस शीट समझ में नहीं आती तो आप किस बात की कंपनी सेक्रेटरी हो? आपने कॉमर्स का प्रोफेशन ही क्यों ले रखा है? अरे भैया इंजीनियरिंग वाला आदमी बोले तो मानू भी सही, कॉमर्स वाला बच्चा बोले सर हमको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है तो भाई तो इंजीनियरिंग कर लेता है, यहां क्या कर रहा है? और फिर तेरे को इंजीनियरिंग आती क्या? नहीं, वो भी नहीं आती, तो आता क्या है भाई? कॉमर्स वाले बंदे को अगर अकाउंट्स ही नहीं आएगा और उसको बैलेंस शीट पढ़ना समझना, रेशियोस पढ़ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा तो भाई वो ऑडिट रिपोर्ट कैसे वेरीफाई करेगा एक कंप्लायंस ऑफिसर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हुए या नहीं हुए? एज ए रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग।
मैं नहीं बोल रहा कि हम उस लेवल पे जाएंगे जहां पे सीए फाइनल स्टूडेंट जाता है, जरूरत नहीं है। हमको चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सर हमको पूरा करना नहीं है, पूरा बनाना नहीं है, लेकिन हमको कम से कम पढ़ना आना चाहिए और उसके लिए बेसिक बेसिक चीजों का नॉलेज पूरा होना चाहिए। तो ऑफकोर्स हमारा जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट का लेवल है, ऑफकोर्स वो सीए फाइनल के लेवल से और सीए इंटर के लेवल से नीचे ही रहेगा, क्योंकि हमारा लेवल कहाँ ज्यादा होगा कंपनी लॉ में, हमारा लेवल कहाँ ज्यादा होगा सिक्योरिटीज में, हमारा लेवल ज्यादा होगा अदर लॉज में। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप एक कंपनी में एज ए ऑफिसर डेजिग्नेट होते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, आपके हाथ में 100% बैलेंस शीट आएगी ही आएगी। और जब बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में आएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे बहुत जरूरी हो जाती है। आ रही है बात समझ में? बहुत ही बढ़िया। अब हम जब अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स है, मतलब क्या क्या मेन चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी रहेगी। तो थोड़ा बहुत मॉड्यूल वॉड्यूल देख के आए हो आप लोग? नहीं देखा सर, अभी तो कहाँ पास हुए हैं सर, अभी कहाँ सीएस एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हो, अभी तो चालू ही हुआ है। अब जाके हम थोड़ा जमाएंगे घर पे किताबें हमारी, है ना, और पुरानी वाली किताबों को पहले तो निकालेंगे और उसके बाद नई बुक्स अरेंज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि चलो क्या क्या पढ़ने का है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं हमारे पास में जो चैप्टर्स है ये आपका मॉड्यूल रहने वाला है। अब वो प्रिंटेड फॉर्मेट में शायद थोड़ा बहुत कलर ऊपर नीचे हो जाए, पर दिस विल बी योर मॉड्यूल। और हम आपका मॉड्यूल बार बार रेफर करते रहेंगे, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्ट्रैटेजी रहा है हमेशा से, चाहे वो सीए हो चाहे सीएस हो, आई ऑलवेज ट्राई टू कवर मॉड्यूल पार्ट एज वेल एज पास्ट एग्जाम पार्ट। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम तो क्लास में कवर हो ही जाए। कारण ये है कि बच्चा मेल क्लास करने के बाद अगर घर जाके वापस अलग से मॉड्यूल कर रहा है और उसको लग रहा है कि यार मॉड्यूल में तो ये बहुत सारी चीजें क्या फालतू की दे रखी है, तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स व्हाई वी विल रेफर क्लास नोट्स एज वेल एज मॉड्यूल एज वेल एज पास्ट एग्जाम्स। अब पास्ट एग्जाम्स में जो हमारे रेलेवेंट टॉपिक्स है, जैसे आपका सिलेबस अभी लेटेस्ट नया ही अपडेट हुआ है, तो पुराने पास्ट एग्जाम में वो क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेटिंग टू दियर टॉपिक्स है। जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के पास्ट एग्जाम किसने भी सालों के उठा सकते हैं, जरूरी नहीं हो सीए की हो, सीएस के हो, सीए के हो, फाइनल के हो, इंटर के हो, जहां हमको लगा कि यार ये रेलेवेंट है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वो क्वेश्चन मैं आपको फिर करवा भी दूंगा और हुआ तो होमवर्क होमवर्क करके टेस्ट वेस्ट में भी ले लेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो करते हैं हमेशा वो यही है कि मॉड्यूल कभी मत छोड़ना बेटा। सीएस एग्जीक्यूटिव हो, चाहे सीएस प्रोफेशनल हो, चाहे सीएस डब्ल्यूटी हो, एग्जीक्यूटिव आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल बहुत काम का है और मॉड्यूल हमेशा रेफर किया जाता है पेपर बनाने के लिए। तो जिस चीज में से डायरेक्टली पेपर आता है आप उस चीज को छोड़ के किसी और चीज को क्यों पकड़ते हो, तो ऑफकोर्स हम लोग मॉड्यूल को तो साथ में कवर करते जाएंगे ही जाएंगे। ओके, अब सवाल आता है सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, एक बार आप सिर्फ हमको दिखा दो ताकि हमको समझ में तो आ जाए कि एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने रहेंगे। ये रहे टोटल मिला के बताया कितने चैप्टर्स हैं 60 मार्क्स के अंदर, आपके पास में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो है 10, जिसमें आपको बताऊं पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है। पहले चैप्टर में थियोरी है जो हम क्या करेंगे, देखो सारी थियोरी में स्टार्टिंग में पढ़ा दूंगा तो क्लास का वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा अरे क्या सर ये अकाउंटिंग की थियोरी पढ़ा रहे हो आप बैठ के। तो मैं क्या करूंगा जो जो काम काम की थियोरी है वो हम अभी पढ़ लेंगे और बची हुई थियोरी बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि सर हमारा नया नया क्लास चालू हुआ है तो एक इंटरेस्ट जब आएगा, जब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चालू होगा तो समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या होता है। तो हम जितनी रेलेवेंट थियरी लगेगी अभी जरूरत है स्टार्टिंग में उतनी थियरी हम अभी कवर कर लेंगे और बाद में लगेगा सर बची हुई थियरी हम बाद में कवर कर लेंगे जब हम एक साथ सारी थियरीज कवर करेंगे। ओके, तो पहला चैप्टर जनरली थियरिटिकल है, सेकेंड भी थियरिटिकल है, इसमें अकाउंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लेके बेसिक्स दिए हुए हैं। इसमें कंपनीज एक्ट के सेक्शंस की बात की हुई है कि कौन कौन से सेक्शन है कंपनीज एक्ट के जिनके अंदर अकाउंटिंग लगती है, कौन से सेक्शन है जो बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, और एएस को लेके सारी बातें चालू होती है चैप्टर नंबर 3 से। अब आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ 11 12th में पढ़ा था एएस क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या पढ़ा है आप लोगों ने, थोड़ा बहुत बताएंगे आप मुझे? जी अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज के लिए होते हैं, हर कंपनी को कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इसका सिंपल सा लॉजिक है यार, बेसिक सी बात है, अगर मैंने कोई और रूल फॉलो किया और किसी कंपनी ने और कोई रूल फॉलो किया तो उस कंपनी की कंपेरेटिव बैलेंस शीट कैसे कंपेयर हो पाएगी? आप दो कंपनीज की इंफॉर्मेशन एज ए शेयर होल्डर
तभी कंपेयर कर सकते हो जब दोनों के रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज दोनों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक जैसे की हो, अदरवाइज आप दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट को कंपेयर कर ही नहीं सकते। आज आप सोचो मेरे को शेयर मार्केट में पैसे लगाने, अब आज के जमाने में बोलते कि यार पावर सेक्टर में बहुत पैसा है, अब दो कंपनी मान लीजिए पावर में बहुत चलती है, एक तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर, अब आप देखते हो इन दोनों में से किस में लगाऊं, तो आप उसकी बैलेंस शीट रीड करोगे, आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ोगे, तो आप उनकी रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट तभी कंपेयर कर पाओगे जब दोनों के रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज सेम होगी। तो एक्चुअली हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन के बहुत सारे मल्टीपल अकाउंटिंग के मेथड्स होते हैं, पर अगर आपने किसी सर्टन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो दोनों का कंपैरिजन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी नीड सर्टन सेट ऑफ रूल्स, एंड दीज रूल्स एंड दीज पॉलिसीज आर कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन पॉलिसीज का यूज करके कंपनी अपनी अकाउंटिंग करती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 रहेगा शेयर कैपिटल के बारे में। अरे सर ये तो 11वीं 12वीं में कहीं पढ़ा था, मेरे को याद आ रहा है, कहीं था क्या शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स को लेके, कॉल मनी, कॉल प्रीमियम पढ़ा था कुछ, शेयर प्रीमियम है ना। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का कैसे शेयर कैपिटल इश्यू होता है, राइट इश्यूज कैसे आते हैं, बोनस इश्यूज क्या होते हैं। तो एक कंपनी की शेयर कैपिटल की सारी अकाउंटिंग हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे, दैट इज शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। सेम शेयर कैपिटल के साथ साथ अगर हम बैलेंस शीट में चले तो एक ट्रांजेक्शन और होता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कंपनी एज ए लोन मार्केट से लेने के लिए इश्यू करती है, और उस डिबेंचर्स की अकाउंटिंग थोड़ी सी अलग होती है। आप लोगों ने सुना होगा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है, मैं आपको समझाता हूं। अभी एक्चुअली क्या है, आप जब थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं ना, तो अभी पता है हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली भयंकर स्टार्टअप्स को फंडिंग चाहिए, ठीक है। सो कुछ दिन पहले ही मेरी एक मीटिंग थी, एंड आई वॉज टॉकिंग टू सम वेंचर कैपिटलिस्ट, उसको एक स्टार्टअप की फंडिंग चाहिए थी, और वो स्टार्टअप करता क्या है, वो स्टार्टअप करता है कार्बन क्रेडिट्स की बाइंग और सेलिंग। अब आप बोलोगे सर कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, नाम सुने आपने कार्बन क्रेडिट्स? नहीं पता, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें। अरे तुम कहां से आ गए यहाँ पे, ऐसे ही, बहुत बढ़िया। तो कार्बन क्रेडिट्स की बाइंग और सेलिंग जो है वो एक स्टार्टअप करता है, और कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, मतलब अल्टीमेटली कार्बन या CO2 एमिशन उस कंपनी का ज्यादा है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी का CO2 एमिशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग जो गाड़ियां बना रहे होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत सारी कार्बन एमिशन करता है। रेडीमेड फैक्ट्रीज का कार्बन एमिशन अच्छा खासा होता है, क्योंकि वो लोग जो जीन्स बनाते हैं, चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें बहुत सारा पानी और बहुत सारी गैसेज निकलती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो एनवायरमेंट को फायदा पहुंचाती है, उन कंपनीज को कार्बन क्रेडिट गवर्नमेंट देती है, और जिन कंपनीज एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है उन्हें उन कंपनी से कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ते हैं। मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूं ना तो मुझे पुण्य मिलेगा, वो पुण्य क्या है, कार्बन, और जो लोग खराब काम कर रहे हैं उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें क्या क्या देगी सरकार, पाप। अब उनको पाप धोने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे से पुण्य खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि वो खुद तो पुण्य। अब मेरे को मेरे पुण्य बेचने हैं और उनको उनके पाप धोने हैं, तो बीच में लगेगा एक बंदा जो ये खरीदने बेचने का ऐसे स्टार्टअप की फंडिंग के लेके बात हुई। अब काम तो बड़ा रिस्की है, क्योंकि भरोसा नहीं है कि वो कार्बन क्रेडिट्स की बाइंग सेलिंग इंदौर जैसी जगह में कितनी होगी, क्या होगी, कैसे होगी। तो बात ये हुई कि साहब अभी कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी 18% पर एनम वाले, पर वो कंडीशनल कन्वर्टेबल होंगे। मतलब अभी मैं कंपनी को एज ए लोन दे रहा हूं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 18, लेकिन अगर कंपनी चल गई तो मैं उसको कन्वर्ट करा लूंगा किसमें, इक्विटी शेयर में, और हो सकता है 18% की जगह मुझे 300-400-500% का रिटर्न मिल जाए। और कंपनी नहीं चलेगी तो मैं सामने वाले को बोलूंगा चुपचाप मेरा लोन वापस चुका दे 18% ब्याज के साथ। इस तरह से भी फंडिंग होती है आजकल, क्योंकि मुझे पता है आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट मच रिस्क। तो स्टार्टअप वाला बोलेगा ठीक है सर आपको रिस्क नहीं लेनी ना, हम तो आपको लोन की तरह दिखा रहे हैं सब,
हम चुकाएंगे आपको लोन 18% ब्याज के साथ, लेकिन मेरे को यार शेयर कैपिटल में भी लगाना है, क्योंकि अगर कंपनी चल गई तो क्या, मेरे को चाहिए कि नहीं चले तो भी पैसा वापस आ जाए, और चल जाए तो मल्टीफोल्ड रिटर्न भी मिल जाए। तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाला ऑप्शन पे जाऊंगा और मैं उनको बोलूंगा कि अभी तो आप लोन लो, 2 साल बाद अगर मुझे लगा तो मैं इस रेट पे आपके एक डिबेंचर को आज की रेट पे 2 साल बाद कन्वर्ट करूंगा। तो हो सकता है वो शेयर मुझे 20 रुपए का मिल जाए, जबकि उस शेयर की उस टाइम तक वैल्यू 200 रुपए हो जाए, तो मेरे रिटर्न 10 टाइम्स हो जाएंगे। तो आजकल स्टार्टअप्स इस तरीके से फंडिंग कर रही है। पहले क्या होता था, धड़ाधड़ स्टार्टअप्स को ऐसी इक्विटी दे दी जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम इक्विटी के साथ यह है कि रिस्क एसोसिएटेड, अगर कंपनी गई तो मेरी, लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर तो लोन की तरह है, इक्विटी शेयर होल्डर बाद में खड़ा होगा, पहले कौन खड़े होंगे, डिबेंचर्स होल्डर खड़े होंगे, उनको पैसा पहले मिलेगा, शेयर होल्डर को पैसा। तो मैं इतना चांद पत्ती कर रहा हूं कि पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा यहां पे, कहां पे, डिबेंचर होल्डर की जगह, और लगेगा कंपनी तो बहुत बढ़िया चल रही है, चुपचाप से पीछे खिसक के कहां पहुंच जाऊंगा, इक्विटी शेयर के पास। इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कंडीशनल कन्वर्टेबल, वो भी फिक्स कन्वर्टेबल नहीं, कंडीशनल कन्वर्टेबल। कंडीशन ये है, मेरी इच्छा होगी तो कन्वर्टेबल करूंगा, नहीं होगी तो। इस तरह की भी डिबेंचर आजकल इश्यू होने लग गए हैं। इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उसके लिए हमारे पास चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अब कंपनी अकाउंट्स के एस्पेक्ट्स है, इसमें एक्चुअली सारी चीजें वैसे तो कवर हो ही जाती है, इसमें और क्या कवर होता है मैं आपको बताता हूं। कंपनीज आपको बताओ तो ईसॉप्स इशू करती है, ईसॉप्स पता है क्या होते हैं, नहीं पता है, आई कैन टेक वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस एंड आई हैव अ रियल एग्जाम्पल। मेरी सिस्टर जो है शी वॉज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट USA, सिएटल में थी और वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही थी, ठीक, अच्छा खासा IIT का है तो पैकेज वैकेज बढ़िया अच्छा था। पर उसको आज से 3 साल पहले एक ऑफर आया एक ऐसी कंपनी से जो सेल्फ ड्रिवन कार्स की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, टेस्ला नहीं, टेस्ला से वो कंपनी बहुत आगे है, टेस्ला बहुत पीछे है, टेस्ला तो उसके सामने बच्चा है, वो जिस लेवल पे सेल्फ ड्रिवन कार की टेक्नोलॉजी को ले गए हैं। उन्होंने एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को और शिकागो में टैक्सीज चालू कर दी, रोड पे आ गई है सेल्फ ड्रिवन कार्स, और ये कंपनी है जो सेल्फ ड्रिवन कार का टेक्नोलॉजी बनाती है। अब मेरी सिस्टर ने वो जॉब स्विच करके इस पे आई, और उस टाइम वो कंपनी में टोटल मिला के 30 एम्प्लॉइज थे, ठीक। अब आई आज हर की यार तूने इतनी बड़ी रिस्क ले ली, तो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज छोड़ के कम पैकेज पे तू इस कंपनी में आई है, कम पैकेज पे। तो मेरे को उसने यही बोला कि यार मेरे को लगता है कंपनी बहुत आगे जाएगी, और मेन बात है ये कंपनी मुझे सैलरी कम दे रही है, पर मुझे सैलरी के बदले में या सैलरी की जगह मुझे ईसॉप के शेयर्स दे रही है, इंप्लॉइज को शेयर्स अलॉट कर रही है 10 रुपए 20 रुपए के रेट पे, क्योंकि वो नए नए एम्प्लॉइज थे और अभी कंपनी के अंदर से 30-40 एम्प्लॉइज हैं, तो अभी कंपनीज पैसे नहीं दे सकती, उनको पता है, क्योंकि सैलरी वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतना सैलरी, माइक्रोसॉफ्ट जितना कैपिटल थोड़ी उनके पास में, तो वो क्या सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं आज, नहीं। अब US में सैलरी कितनी होती, 2-3 करोड़ रुपए सैलरी होती है साल की, क्या 2-3 करोड़ रुपए की सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो अपना पैकेज कॉम्प्रोमाइज किया उसने और कंपनी से ईसॉप के शेयर्स ले लिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ले लिए, ठीक। अब इस बात को हो गए 4 साल, अभी वो कंपनी 1,000 एम्प्लॉय की हो गई है और उस कंपनी का वैल्यूएशन 25,000 करोड़ रुपीज का हो गया है, और उसको ओला ने एक्वायर कर लिया है, और वो शेयर्स जो थे ना वो 150 टाइम्स के वैल्यूएशन पे चले गए हैं। मतलब 10 रुपए की चीज या 20 रुपए की चीज अब कितने रुपए की हो गई है, 150 रुपए की चली गई है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पाती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो 2 फायदे होंगे कंपनी को ईसॉप के शेयर इशू करने के, ये विन विन सिचुएशन है। कंपनी को क्या फायदा है, एक तो कंपनी को आज पैसे नहीं देने, क्या देने, इक्विटी शेयर्स। दूसरा कंपनी को एक और चीज होती है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वेस्टेड पीरियड का, वो एम्प्लॉई 2 या 3 साल पहले नौकरी छोड़ नहीं सकता, अगर उसने 2 या 3 साल पहले नौकरी छोड़ दी तो उस केस में उसके ईसॉप के सारे शेयर्स कंपनी वापस फोरफीट कर लेगी।
तो कंपनी को क्या फायदे हो गए? तो एक तो आज सैलरी नहीं देनी, दूसरा आज कंपनी को यह पता है कि एम्प्लॉय मेरे यहां 2-3 साल छोड़ के नहीं जाएगा। एम्प्लॉई को यह पता है कि अगर ये कंपनी चल गई तो मेरी सैलरी से 25 गुना रिटर्न कंपनी मुझे शेयर्स के फॉर्म में दे जाएगी। तो कंपनीज अपने नए, जब वो कंपनीज न्यूली फाउंडेड होती है तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप देती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जिसके अंदर कंपनीज कम रेट में अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स अलॉट करती है और बाद में जाके 2-3 साल बाद एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वो शेयर्स बेच भी सकते हैं वापस कंपनी को, कंपनी बायबैक भी कर लेती है उनसे। इसकी भी पूरी अकाउंटिंग होती है और ये सब अकाउंटिंग जबरदस्त चलती ये स्टार्टअप कल्चर के अंदर। और स्टार्टअप्स में क्यों चलती है? क्योंकि आपको बताया इनकी पैसे पैसे के लिए मरे जा रहे हैं। अभी स्टार्टअप की ये हालत है कि उनको फंडिंग मिल नहीं रही, तो अब फंडिंग नहीं मिल रही तो कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है, फंडिंग नहीं मिल रही तो उनको अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देनी पड़ रही, उसके लिए क्या दे रहे हैं? ईसॉप देने पड़ रहे हैं। उसकी अकाउंटिंग हम इसमें समझेंगे। तो ईसॉप्स क्या होते हैं उसकी अकाउंटिंग समझेंगे। एक और आपने कहीं सुना होगा अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स होता है। आईपीओ आते हैं, आईपीओ, तो आईपीओ हम तक पहुंचने के पहले बीच में बहुत सारे लोग और भी होते हैं। मर्चेंट बैंकर्स करके एक नाम होता होगा, कभी आपने सुना हो। एक अंडरराइटर्स होते हैं, तो अंडरराइटर्स की पूरी अकाउंटिंग भी हम लोग समझेंगे कि हमारे तक तो आईपीओ आया लेकिन जिसके जिस एजेंट के थ्रू हमारे तक आईपीओ आया उस एजेंट को अंडरराइटिंग बोलते हैं, और उस अंडरराइटिंग कमीशन की और अंडरराइटिंग की पूरी अकाउंटिंग होती है, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट कहलाते हैं रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी अकाउंट्स। कंपनी में और क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? ईसॉप हो सकता है, अंडरराइटिंग हो सकती है, बोनस, राइट इशू, प्रेफरेंशियल शेयर्स, बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, वो सब हम इसके अंदर समझेंगे। अगला चैप्टर हमारा रहने वाला है कंसोलिडेशन। नाम सुना है पहले कहीं? क्या होता है कंसोलिडेशन? यार कोई बताएगा कंसोलिडेशन क्या होता है? देख के थोड़ी बताना है, बिना देखे देख बताना है। जी सही जा रहे हो आप। हां सब्सिडरी। हाँ हाँ, एक्चुअली ये कंसोलिडेशन होता है होल्डिंग और सब्सिडरीज के लिए। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। आपको पता है टाटा, टाटा ग्रुप है, कौन कौन सी कंपनी आती है टाटा ग्रुप के अंदर? सबने नाम सुने होंगे, नाम बताते जाओ। टाटा 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 आगे टाटा की टाइटन, टाइटन वॉचेस टाटा की कंपनी, और अरे गर्ल्स तनिष्क, तनिष किसका है? टाटा का है। और बताओ क्रोमा, क्रोमा क्रोमा किसका है? टाटा। वोल्टास, एसी जो आते हैं वोल्टास के, टाटा, टाटा मोटर्स, ठीक, और जोडियो, यस जोडियो इज ऑल्सो फ्रॉम टाटा, फिर एक टाटा क्लिक। आपको बता दूं ऐसे कम से कम 100 स्टार्टअप्स है इसमें टाटा ने पैसा डाल रखा है, टाटा कैपिटल, और भी बहुत, टाटा केमिकल्स, नाम ही सुने होंगे सारी कंपनी के, टाटा स्टील, टाटा स्टील का तो नाम सुना होगा ना। टाटा की ऐसी 100 से ज्यादा कंपनीज होगी। लेकिन अब आपको बताता हूं वो कंपनीज में वो लोग पैसा कैसे लगाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए ये है साहब हमारे रतन टाटा जी, ठीक। ये जो रतन टाटा जी हैं इनका पैसा ऑफकोर्स टाटा मोटर्स में भी लगा होगा, इनका पैसा वोल्टास में भी लगा होगा, इनका पैसा क्रोमा में भी लगा होगा, इनका पैसा टाटा की टाइटन में भी लगा होगा, ठीक। पर आपको पता है इनका पैसा डायरेक्टली इन कंपनीज में नहीं लगा है। किसी को पता है इसकी इनकी ग्रुप कंपनीज का कौन पेरेंट कंपनी है? नहीं पता। मैं आपको बताता हूं, एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा सन्स। टाटा सन्स रतन टाटा जी, एक है मिस्त्री फैमिली जिनके एक मेंबर थे साइरस मिस्त्री, जो कि पहले सीईओ भी बने थे टाटा के और बाद में उनकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में कुछ टाइम पहले, अगर आपने पढ़ा होगा तो। मिस्त्री फैमिली है एक, 2-3 शाहपुर जी फैमिली है। इन सब लोगों के पास शेयर होल्डिंग टाटा मोटर्स और टाटा वोल्टास की नहीं है, इन सब लोगों के पास शेयर होल्डिंग किसकी है?
टाटा सन्स की है, ये एक्चुअली पेरेंट कंपनी है जिसको हम होल्डिंग कंपनी भी बोल सकते हैं, और इस कंपनी ने पैसा टाटा की सारी अलग अलग कंपनीज में डाल रखा है। मतलब रतन टाटा जी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर नहीं है, रतन टाटा जी शेयर होल्डर है टाटा, और टाटा सन्स है शेयर होल्डर टाटा मोटर्स का, तनिष्क का, वोल्टास का, टाइटन का, सबका। अब ये हो गई होल्डिंग, तो ये सारी कंपनीज क्या हो गई, ये सारी कंपनीज हो गई सब्सिडरी। अब हम बात करें कि साहब टाटा ग्रुप या टाटा सन्स की वैल्यू क्या, तो टाटा सन्स की वैल्यू में सिर्फ इनकी वैल्यू थोड़ी जुड़ेगी, टाटा सन्स की वैल्यू में इन सब की वैल्यूएशन भी ऐड होगा कि नहीं होगा। मतलब एक ऐसे अकाउंट्स भी बनने चाहिए जिसमें पूरे टाटा ग्रुप की एक साथ बैलेंस शीट बने, टाटा मोटर्स की अलग बनेगी, वोल्टास की अलग बनेगी, लेकिन एक पूरे टाटा ग्रुप की भी तो बैलेंस शीट होनी चाहिए जिसमें न केवल वोल्टास और टाटा मोटर्स की अलग अलग बैलेंस शीट हो, सबकी बैलेंस शीट कंसोलिडेट करके बने, उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, और उस टॉपिक को बोलते हैं कंसोलिडेशन। जब एक बड़े ग्रुप की मल्टीपल कंपनीज होती है, होल्डिंग कंपनी की मल्टीपल सब्सिडरीज होती है, तो वो होल्डिंग कंपनी उन सब के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करके अपने शेयर होल्डर को एक बैलेंस शीट भेजता है। नहीं तो टाटा सन्स के शेयर होल्डर को, आज रतन टाटा जी को जानना हो कि मेरी नेटवर्थ क्या है या टाटा सन्स के शेयर्स की नेटवर्थ क्या है, तो टाटा सन्स को बोलेगा बेटा तेरी बैलेंस शीट ला, टाटा सन्स बोलेगा मेरी बैलेंस शीट में किसकी बैलेंस शीट लाऊं, भाई सबकी ला, और सबकी अलग अलग मत ला, सबकी एक लेके आ जोड़ के, और जो जोड़ के बैलेंस शीट बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, और यही हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है कंसोलिडेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, उसके अंदर हम यही समझेंगे होल्डिंग और सब्सिडरीज अपने अकाउंट्स को कंसोलिडेट कैसे करते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और आप अगर किसी भी एमएनसीज में जाओगे, और ऑफ कोर्स कंपनी सेक्रेटरी हो तो आपका एमएनसी में जाने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी ज्यादा है क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस वहीं पे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज भी बड़ी कंपनीज में ही आती है, लिस्टेड कंपनीज में आती है, उन सारी लिस्टेड कंपनीज में आपको एक कंसोलिडेट अकाउंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि उन लिस्टेड कंपनीज की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज होगी, और इसीलिए ऐसे केस में हमें ये कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी समझनी पड़ेगी। दैट विल बी योर लेसन नंबर 7 सर। नेक्स्ट, अरे यार ये तो बड़ा इजी टॉपिक है यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ा है कुछ ऐसा हमने सर, इसके अंदर आएगा रेशियो एनालिसिस, रेशियोज निकालते हैं बहुत सारे, कोई नाम याद है आपको, कुछ नाम थे, क्या क्या नाम थे सर, एक कुछ होता था करंट लगता था, करंट क्या बोलते थे इसको, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, पढ़ा था वो सारे रेशियोज, और उसके एनालिसिस की बात हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आए हाय है अगला टॉपिक भी सर थोड़ा थोड़ा तो पड़ा हुआ लग रहा है, कौन सा टॉपिक है, कैश फ्लो, याद है ना कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, तीन तरह की एक्टिविटीज होती थी मेरे को याद आ रहा है, कुछ एक एक्टिविटी थी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फिर होता था नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, याद आ रहा है कुछ, उसमें भी डायरेक्ट मेथड होती थी, इनडायरेक्ट मेथड होती थी, सीधा चलो उल्टा चलो, सब समझेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक्स, एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा मैं आपको ये बताना ही नहीं चाह रहा हूं कि आपको आता है, हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, पर बस से सुना सुना लगना चाहिए, सुना सुना नहीं लगना चाहिए, सुना सुना लगना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए कि हाँ सर ये टॉपिक कुछ होता है। एंड फाइनली द लास्ट टॉपिक वी हैड इज फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर हम फ्यूचर की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ये चीज कहां काम आती है मैं आपको बता दूं, अगर आप मतलब इसमें सिर्फ इस साल की नहीं आगे की फ्यूचर बैलेंस शीट्स कैसे बनेंगी, कंपनी के फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे तैयार होंगे, वो चैप्टर हमको बताएगा कि कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट को फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं। ये कहां काम आता है, ये सबसे ज्यादा काम आता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, जब कंपनीज को बैंकों से लोन लेने रहते हैं तो कंपनी को प्रोजेक्शंस देने रहते हैं फ्यूचर के, कि फ्यूचर में हमारी बैलेंस शीट कैसी होने वाली है, शेयर होल्डर्स को भी रिपोर्ट जाती है ताकि शेयर होल्डर इसके व्याप पे कंपनी के फ्यूचर को देख सके कि इस कंपनी में पैसा डालना है या ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं,
आप लोगों ने सुना होगा अडानी ग्रुप एक है ना, अब अडानी कंपनीज के शेयर्स का प्राइस मल्टीपल बताए आपको कितना होता है, 200-250 गुना। मतलब अडानी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो आज जितना कमा रहे हैं उसके सामने उनकी शेयर प्राइस 250 गुना है। पी मल्टीपल बोलते हैं इसको, नाम सुना होगा आपने कहीं, नहीं सुना पी? कभी आप शेयर होल्डर या शेयर्स मार्केट का थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो तो एक कॉन्सेप्ट होता है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और वो पी रेशियो बताता है कि अगर 200 का पी है, मतलब मैं एक साल में एक रुपए कमा रहा हूं ना, तो उसके शेयर का रेट 200 रुपए है। मतलब मेरे को अगर ये ही कमाई चलती रही तो इस शेयर की प्राइस रिकवर करने में 200 साल लग जाएंगे। सर फिर अडानी कंपनीज के पी इतने ज्यादा क्यों है, 250-250 के पी पे ट्रेड कर रहा है अडानी कंपनी के शेयर्स, क्यों? क्योंकि उनका फ्यूचर बहुत तगड़ा है। वो ये नहीं देख रहे कि आज क्या अर्निंग है, वो देख रहे कि अर्निंग आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगी। वो पैसे आज के हिसाब से नहीं लगा रहे, वो पैसे आज से 5 साल बाद के प्रोजेक्शंस पे लगा रहे। और वो अडानी कंपनी ऐसे प्रोजेक्शंस शेयर होल्डर और बैंकों को देती है, और वो प्रोजेक्शंस हम सब समझेंगे फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके हमारे पास चैप्टर है, उस चैप्टर के थ्रू हमको ये सारे फोरकास्ट कैसे होते हैं, कैसे बैलेंस शीट बनती है, वो सब चीजें हमको समझनी पड़ेगी। सो दीज आर दी 10 चैप्टर्स। मतलब देखा जाए तो सिलेबस शॉर्ट एंड स्वीट है। शॉर्ट एंड स्वीट मतलब बहुत शॉर्ट नहीं है, पर कंपेरेटिवली अगर हम सीए इंटर या सीए फाइनल या सीए के सिलेबस से कंपेयर करें तो हमारा सिलेबस थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट है। पर हाँ, फिर भी इसमें बेसिक से समझना है। शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं आती सर हमको, तो डेबिट क्रेडिट भी थोड़ा समझाओगे तब समझ में आएगा, अभी तो ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं। तो ऑफकोर्स बेसिक्स हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, लेकिन मेरा जो एस्टिमेटेड टाइम मैंने बताया है दैट इज 4.5 मंथ्स। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि मेरा अकाउंट्स वाला जो पार्ट है वो 4 या 4.5 महीने में अंदर अराउंड 120-125 मैक्सिमम 130 आवर्स। अब वो एक घंटे की अगर क्लास है तो हम 130 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उससे पहले खत्म हमारा हो जाए। अब वो क्या होता है, डिपेंड भी करता है आप लोगों की थोड़ी सी स्पीड के ऊपर कि आप कितनी जल्दी क्रैश कर पाते हो। अगर मेरे को बुलाया तो मैं 60 घंटे में भी खत्म कर दूं, पर हम क्रैश नहीं पढ़ रहे, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा हमारा स्पीड भी ऐसा चलाना है कि बच्चों को समझ में भी आए। मेरा आपसे रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, सिर्फ एक चीज पता, सिर्फ एक चीज, होमवर्क। और वो होमवर्क मैं आपको कभी 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा का नहीं दूंगा, पर जितनी देर का होमवर्क दे रहा हूं बेटा उतनी देर का होमवर्क बस आप रेगुलरली प्यार से करके आना, टेढ़ी उंगली ना करना पड़े, बार बार चमकाना ना पड़े आप लोगों को, प्यार से बस ये समझ के आना कि निखिल सर बेचारे इतने सीधे साधे आदमी है, चुपचाप बोल रहे 15-20 मिनट का होमवर्क कर लो, इससे ज्यादा बेचारा आदमी होमवर्क देता नहीं है, तो मान लेना चाहिए इतनी सी बात। तो 20 मिनट का चुपचाप होमवर्क दूंगा, मैक्सिमम 30 मिनट तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप उतना होमवर्क रेगुलरली कर लीजिएगा, मेरी गारंटी है अकाउंट्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, अगले 4 महीने रेगुलर क्लास आओ और रेगुलर होमवर्क अटेंड करो, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे आपसे और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि घर से 10 चीजें और पढ़ के आना, कोई बुक रेफर करना, कुछ भी नहीं है। सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, यू जस्ट हैव टू मतलब मेरे साथ आपको चलना है, दैट्स इट। मैं जितना बता रहा हूं बस आप उतना करते जाइएगा, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, तो चलिए, ये तो सर हमारा तरीका हो गया कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं। एक चीज हमने ये समझ ली कि हम किस तरीके से मॉड्यूल को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। एक और छोटी सी चीज है जिसके बाद हम फाइनली हमारे टॉपिक को स्टार्ट कर पाएंगे। सर एक चीज और मैं आपको दूंगा जो आपके लिए बहुत काम की, आपको तो फिजिकल नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो आपको ऑफकोर्स बुक मिलेगी क्वेश्चंस की, थियरी जो जो होगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा डेफिनेटली, बाकी मॉड्यूल से भी रेफर करा दूंगा। पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज करने वाला हूं, मैं आपको एक ही जगह सारी चीजें कंपाइल करके भी दे दूंगा। जैसे मैं जनरली ये सीए प्रोफेशन सीए की क्लासेस में करता ही हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी शीट ओपन करके बताता हूं कि वो कैसे आपको बहुत काम भी आ सकती है और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर है, अब सबसे पहले तो मैं उस चैप्टर का आपको बेसिक बता दूंगा कि ऐसे ऐसे ये पूरा चैप्टर चलता है और ये सब होता है, एंड देन आई विल अटैच द नोट्स विद दैट पीडीएफ, ताकि हम नोट्स के नीचे ही उसके क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे। तो जहां पे क्वेश्चंस चालू होंगे उसके साथ ही हम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे। साथ में एक और मजेदार चीज, मैं नोट्स के साथ में ही एक और चीज अटैच करता चला जाऊंगा और वो है पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस।
जो भी चैप्टर्स रहेंगे, जो भी टॉपिक्स रहेंगे, उसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में यहीं पे शीट में साथ साथ में अटैच करता जाऊंगा कि कौन सी एग्जाम में आया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, सीए की एग्जाम का था, सीएस की एग्जाम का था, कौन से टॉपिक का है, कौन से अटेम्प्ट में आया था, ये सारी चीजें साथ में आ जाएगी। और साथ में मैं इसके बाद आप लोगों को जैसे ये ई नोट्स हमारे बनेंगे, मैं इसके जस्ट बाद एक और चीज अटैच कर दूंगा। पास्ट एग्जाम भी हो गया, क्लास नोट्स हो गए, एंड आई विल आल्सो अटैच मॉड्यूल विद दिस ई नोट्स। और मॉड्यूल में जो जो चीजें हाईलाइट करने की है, जो चीजें मार्किंग करने की, वो मैं यहीं पे करता जाऊंगा। साथ साथ में आपको जो जो क्वेश्चन हमारे सेम मॉड्यूल वाले नोट्स में हो गए हैं, वो मैं यहीं पे लिखता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन नोट्स में इस नंबर पे है। ताकि होगा क्या, आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, और पता है क्या है, हम गधों जैसी मेहनत करते हैं। क्यों सर, पहले हमने नोट्स किए, फिर हमने पास्ट एग्जाम खोला, फिर हमने मॉड्यूल किया, या पहले मॉड्यूल किया फिर पास्ट एग्जाम खोला। सर नोट्स किया था, तब नोट्स के सारे क्वेश्चन लगाए, फिर मॉड्यूल किया, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लगाए। आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि मॉड्यूल के 70% क्वेश्चन तो ऑलरेडी नोट्स में कवर, और हम बेकूफ जैसे सेम क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार किए जा रहे हैं। वही क्वेश्चन पास एग्जाम का भी है, वही क्वेश्चन मॉड्यूल का भी है, वही क्वेश्चन नोट्स का भी है, सिर्फ फिगर अलग है, और हम खुश हो रहे, वाह मैंने तीन क्वेश्चन कर लिए, तीनों आ गए। अबे भाई वो तीन नहीं, एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को तीन फिगर के साथ तीन बार कर लेगा और बोलेगा वाह मेरे तीन क्वेश्चन हो गए चैप्टर के, सारे आ गए, मतलब रिविजन हो गया मेरा। नहीं हुआ, क्योंकि आपने गधों जैसी मेहनत करी, आंख बंद करके मेहनत करी, आपको आंख खोल के रिवाइज करना है। तो उसके लिए मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा, मैं जहां जहां रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उनके साथ मार्किंग कर दूंगा कि सेम क्वेश्चन हम लोगों ने नोट्स के अंदर कवर कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को वापस करने की जरूरत आपको नहीं है। या तो वो कर लो या ये कर लो, ताकि आपको फालतू की बेवजह की मेहनत आपकी ना हो। और जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि करने लायक ही नहीं है, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, वो क्वेश्चन एक बार भी रिवीजन में हमको नहीं करने देना चाहिए, उसको मैं मार्क कर देता हूं, नो नीड टू डू। निंटेंडो, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या नाम दे देंगे, निंटेंडो। निंटेंडो क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन करना ही मत, ना आज करना, ना फर्स्ट रिवीजन में करना, ना सेकंड में करना, ना पास एग्जाम में करना। या तो क्वेश्चन इतना बेसिक होगा कि जरूरत नहीं है करने की, या वो क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका होगा कि करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरी मार्किंग भी साथ साथ करते रहेंगे, मॉड्यूल से भी, पास्ट एग्जाम भी, नोट्स भी। और फाइनली ये जो नोट्स है, ये मैं आपको रोज रोज क्लास के नोट्स रोज आपको अपडेट होंगे, गूगल ड्राइव पे रोज अपडेट हो जाएंगे। तो आप रोज उस पीडीएफ को यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बता दूं, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव, मैंने चैप्टर वाइज सारे नोट्स अपलोड करता हूं, रेगुलरली करता था, रोज पढ़ाया रोज अपडेट किया, रोज पढ़ाया रोज अपडेट किया। तो कई बार ऐसा होता है सर हम क्लास में लिख नहीं पाते हैं, या कई बार ऐसा होता है क्लास आ नहीं पाए, तो कम से कम आपके नोट्स अपडेटेड रहेंगे विद सॉल्यूशन, आपको सारे के सारे ई नोट्स मिलते रहेंगे। तो होगा क्या, आप घर पे भी आराम से अपने नोट्स अपडेट कर पाओगे, और ये शीट एग्जाम तक आपके पास रहेगी। तो जब आप चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे तो एक बार इस पीडीएफ को भी ओपन कर लेना, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई ऐसा है जो कॉपी में रह गया करना, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो डबल बार रिपीट हो रहा है, मैंने मार्क कर दिया मत करना, फिर भी आप किए जा रहे हो। तो ई नोट्स आपके पास रहेंगे टिल एग्जाम्स, आप उससे आराम से चीजों को अपडेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, हम गधों जैसी मेहनत नहीं करेंगे, हम स्मार्टली चीजों को पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? अब कुछ बच्चे हैं जो दिसंबर अटेम्प्ट वाले हैं। क्या रोहित सर ने कल बताया था दिसंबर वालों को कैसे पढ़ाई किया जाएगा या क्या होगा स्ट्रेटेजी, बताया था कल कुछ? दिसंबर वाले कितने बच्चे हैं अभी इस एग्जाम इस क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऑनलाइन भी आई थिंक 2 या 3 बच्चे आराम से ज्यादा होंगे ना। ऑनलाइन कितने बच्चे हैं? अरे बहुत सारे बच्चे हैं ऑनलाइन, मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चे। अब पॉइंट क्या है कि दिसंबर वालों को जब तक आप आना चाहो, फॉर एग्जांपल नवंबर तक भी आप आते हो, तो अभी क्या स्टार्ट हुआ है, अगस्त, सितंबर रहेगा, अक्टूबर रहेगा, नवंबर रहेगा, अगस्त के 15 दिन है, 3.5 महीने, 1 महीना जो कम पड़ रहा है उतने के लेक्चर फिर आपको रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे 1 मंथ के, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25-30% ऑफ द सिलेबस। वो कौन से रहेंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पर 25-30% लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं दिसंबर वालों के हिसाब से स्पीड बढ़ाता हूं तो प्रॉब्लम ये है कि बाकी जो नए बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो 30% टॉपिक्स या 30% ऑफ द लेक्चर आपको रिकॉर्डेड देखने रहेंगे अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के हैं तो।
अदरवाइज अगर आप जून के हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो भगवान अपने साथ है, अपन भी यही है, वो भी यही है, कहीं नहीं जा रहे, अपन भी चलता रहेगा, जब तक कोर्स खत्म नहीं होगा तब तक हम पढ़ते रहेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ दिसंबर वालों का है, क्योंकि आप लोगों को जल्दबाजी करूंगा तो 70% जो पढ़ाऊंगा वो भी समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर लेंगे, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे थियरी हो गई या ऐसे टॉपिक हो गए जो खुद से भी हो सकते हैं, वो टॉपिक अपन पीछे रखेंगे और उन टॉपिक्स को फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर से देख पाओगे। That will be the strategy for December exam. June वालों को तो कोई problem है ही नहीं। अब बताओ आपके कुछ सवाल हैं क्या regarding कोई पढ़ाई को लेके या कुछ भी? अदरवाइज हमारे पास आज का टाइम तो हो गया है खत्म। तो ये आज मेरा ओरिएंटेशन लेक्चर था एक तरह से। मैंने बता दिया कि अकाउंट्स में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ मच टाइम विल टेक, हाउ व्हाट विल द स्ट्रेटजी वी विल बी फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months, और दिसंबर वालों का भी मैटर पूरा रिजॉल्व हो गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आके पूछ सकता है, अदरवाइज कल से हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग चालू करेंगे, जहां पे हम असेट्स लाइबिलिटीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बिजनेस बहुत सारी बेसिक चीजों को पढ़ना एक एक करके स्टार्ट करने वाले हैं। कोई आपत्ति? पक्का? चले थैंक यू सो मच, आज का डिस्कशन करते हैं यहीं पे खत्म और बाकी डिस्कशन हम करेंगे कल। सर क्लास का टाइम चेंज होगा क्या इसके लिए? एक बार अभी आपको रोहित सर आएंगे ना क्लास में, उनसे सारे डाउट पूछ लेना, क्योंकि रोहित सर आज आएंगे क्लास में ना, क्यों नहीं आएंगे? हाँ कंपनी लॉ, अच्छा श्रेयान सर आएंगे, रोहित सर आज नहीं आएंगे क्या? SBEC चालू नहीं हो रहा है क्या आज? आज नहीं है, कल से चालू हो रहा है, कोई बात नहीं। तो आपको रोहित सर एक आध दिन में क्लियर कर देंगे टाइम टेबल। अभी सैटरडे संडे तक तो यही टाइम टेबल चलेगा, मंडे से टाइम टेबल एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा कि आपका टाइम टेबल क्या रहेगा। ओके धन्यवाद, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू गाइस।